हेलो एवरीवन, ट्रू HSSE मीडिया यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, एक महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आया हूँ। जानकारी क्या, जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और यदि आपने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो लीजिए, शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। और यहाँ आप देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ कि भी जो विपक्ष है वो काफ़ी हैवी है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा काफ़ी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं सरकार का कि वो CBI जांच क्यों नहीं करवा रहे हैं। सरकार ने खुद भी कहा था, फिर CBI जांच क्यों नहीं करवा रहे हैं। और यहाँ देखिए, उन्हें कई महत्वपूर्ण बातें कही हैं जो कि जानना जरूरी है। पेपर लीक मामला अंतर्राज्यीय है, इसलिए CBI की जाँच जरूरी है। अंतर्राज्यीय मतलब जैसे जम्मू कश्मीर से मिला है तो एक राज्य से दूसरे राज्य में। विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि पुलिस भर्ती जो लीक मामला है अंतर्राज्यीय है, क्योंकि जम्मू से आरोपियों को पकड़ा गया है, इसलिए इस मामले की CBI जांच जरूरी है, क्योंकि कल को कोई पंजाब से भी मिल सकता है। उन्होंने कहा कि उनके और कांग्रेस विधायकों की तरफ से बार बार मांग करने के बाद भी CBI जांच नहीं करवाई जा रही है, लगता है दाल में कुछ काला है। CBI जांच से संकोच क्यों किया जा रहा है? हुड्डा ने कहा कि यूं तो सरकार बार बार CBI जांच की मांग करती है, अब क्यों नहीं कर रही, उनकी समझ से परे है। उन्होंने कहा कि सरकार जिलावार कमेटी बनाए और उन युवाओं से पूछे जिन्होंने भोलेपन में पेपर के लिए लाखों रुपए लुटा दिए, अगर ये पूछा गया तो लोगों की लाइन लग जाएगी। उन्होंने दोहराया कि इस सरकार ने लखी करोड़ी बना दिए। उन्होंने कहा कि अगर नौकरी पानी है तो लाखों रुपए लगेंगे, पेपर लीक करवाना है तो करोड़ों लगेंगे। हुड्डा ने कहा कि हरियाणा की सरकार ने परचून की दुकान बनाकर रख दिया है, लाखों करोड़ रुपये का कारोबार हुआ और जो बेरोजगार है उन्हों भविष्य अंधकार में इन्होंने कर दिया है। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बार बार वो CBI की जांच की मांग कर रहे हैं, ताकि रियल में पता चले कि कौन है मुख्य आरोपी, किसने सारा जो पेपर लीक मामला है किसने करवाया है, और किसने जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं उनके साथ में ये धोखाधड़ी की है। तो यही वीडियो आप सभी तक पहुंचानी थी, ताकि भाई पेपर लीक मामले की और ज़्यादा आवाज़ उठ सके। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बता सकते हैं। और CBI जांच में जिस प्रकार का रवैया सरकार अपना रही है, उसके बारे में भी आप कमेंट कर सकते हैं, क्या उसको जांच करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए। और अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, गुड बाय।